नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार सोनगिर है और कोविड के माइल्ड लक्षण आने पर मुझे राधा स्वामी माँ अहिल्या देवी अहिल्या राधा स्वामी कोविड सेंटर में भर्ती किया गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं शासन स्तर पर जिस प्रकार से की गई है वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। यहाँ पर समय समय पर डॉक्टर्स के द्वारा हर एक पेशेंट का ऑक्सीमीटर के द्वारा SpO2 चेक किया जाता है, थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है, साथ ही उसका BP और शुगर आदि की भी जांच करके समय समय पर दवाएं दी जाती है। इसके अलावा यहाँ की जो व्यवस्था है, सभी को बहुत अच्छे से बेड अवेलेबल कराए गए हैं। बेड पर चद्दर और चाय कॉफ़ी के साथ साथ दूध, हल्दी वाला काढ़ा और चाय के साथ बिस्किट, तमाम प्रकार की सुविधाएं यहां पर मौजूद हैं। और आमतौर पर अस्पतालों से थोड़ा डिफरेंट, हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा अलग माहौल, हेल्दी माहौल तैयार किया गया है, जिससे यहां आने वाले जो पेशेंट हैं वो जल्दी से रिकवर कर रहे हैं। सकारात्मक सोच मिल रही है हमें यहाँ पर। सारे पेशेंट को मोटिवेट किया जाता है, एक सकारात्मक वातावरण उनके लिए तैयार किया जाता है। मनोरंजन के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई है, जहाँ पर दिन भर धार्मिक कार्यक्रम, पॉजिटिविटी से भरपूर कार्यक्रम चलते रहते हैं। शाम को मनोरंजन के लिए IPL भी चलते हैं और भजन, सारी चीज़ें इतनी व्यवस्थित होती है। सारे सेवादार, यहाँ के डॉक्टर्स की टीम जो अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग डॉक्टर्स की टीमें दे रही है, मेदांता हॉस्पिटल है, चौथराम है, बॉम्बे हॉस्पिटल है, सभी डॉक्टर्स की टीम बहुत काबिले तारीफ वर्क कर रही है। सभी मरीजों को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही है और 5 दिन की दवा के बाद यहाँ से सारे मरीज बहुत अच्छे से रिकवर हो रहे हैं, जो कि काबिले तारीफ है। तो वास्तव में इंदौर शहर जो महामारी को लेकर के परेशान है और दिनों दिन केस बढ़ रहे हैं, वहाँ पर देवी अहिल्या कोविड सेंटर किसी संजीवनी से कम नहीं। यहाँ पर न केवल स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाता है, पुरुष प्रसाधन और महिला प्रसाधन भी अलग अलग है। भाप लेने के लिए अलग अलग मशीनें लगाई गई है, साथ ही यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो राधा स्वामी कोविड सेंटर रिकवर होने के लिए एक बहुत अच्छा सेंटर बन पड़ा है, जो कि इंदौर शहर को इस कोविड महामारी से लड़ने में बहुत सहायता प्रदान कर रहा है। 600 बेड की व्यवस्था पहले से थी और शासन के अनुसार 600 बेडों की व्यवस्था और कर दी गई है और निसंदेह बहुत जल्दी इंदौर इस बीमारी से जीतेगा और हमारा शहर एक बार फिर से स्वच्छ और स्वस्थ होकर के मैदान में आएगा। धन्यवाद।